नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने DM प्रणब कुमार पहुंचे CTS परिसर, सुविधा बढ़ाने का दिया निर्देश, अधिकारियों को लगाई फटकार। नौगछिया का मोस्ट वांटेड 50,000 का इनामी पप्पू यादव चला STF के हत्थे, हत्या लूट और रंगदारी के दर्जनों मामले हैं दर्ज। नाथनगर के बिहारीपुर में बाढ़ पीड़ितों से भरी नाव पलटी, ग्रामीणों ने लगाई छलांग, सभी की बची जान। कहलगांव के सनोखर में नहाने के दौरान डूबने से युवक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। और बाढ़ पीड़ितों से मिलने नगर विधायक पहुंचे राहत शिविर, भोजन व्यवस्था का लिया जायजा। और अब खबरें विस्तार से। नाथनगर स्थित CTS परिसर में बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने मंगलवार को DM प्रणब कुमार, SDO आशीष नारायण सहित कई अधिकारी पहुंचे। इस दौरान DM ने पीड़ितों के लिए लगाए गए मेडिकल कैंप, रसोई घर, स्कूल और शिविर में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। DM ने कहा कि महिलाओं के लिए स्नान घर और शौचालय की संख्या बढ़ाने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। साथ ही बाढ़ पीड़ितों को समय पर भोजन देने और दवा की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश मौजूद अधिकारियों को दिया। वहीं कई बार पीड़ितों ने DM को पॉलिथीन नहीं मिलने और अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसके बाद DM ने पीड़ितों की समस्या समाधान करने की बात कही। बाढ़ की स्थिति को लेकर के कई जगह पर कैंप चलाए जा रहे हैं, जिसमें कैंपों का निरीक्षण किया जा रहा है। सब और से लेकर के यहाँ कैंप चलाए गए हैं, उनका निरीक्षण किया गया और जो आवश्यक निर्देश है वो आवश्यक। सर, क्या क्या चीज़ का कमी सर मिला है? और पंडाल बनाए जाने की आवश्यकता है, उसका निर्देश दिया गया है। पानी का टैंकर स्थायी रूप से यहाँ रहेगा, उसकी व्यवस्था। पटना से आई STF की टीम ने नौगछिया का आतंक, 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी पप्पू यादव को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधी के पास से STF की टीम ने एक देसी कट्टा और 24 गोलियां बरामद की है। कुख्यात पप्पू यादव पर पुलिस जिला नौगछिया के खरीक, रंगरा, नदी थाना समेत मधेपुरा एवं खगड़िया के कई थानों में हत्या, लूट, रंगदारी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। कुख्यात पप्पू की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। STF की टीम कुख्यात की गिरफ्तारी के लिए पिछले 5 दिनों से उसके संभावित ठिकानों पर नजर रख रही थी। नौगछिया SP निधि रानी ने अपराधी पप्पू यादव की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आज नौगछिया पुलिस जिला अंतर्गत नदी थाना क्षेत्र में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। पप्पू यादव एक 50,000 का इनामी अपराधी है, जो कि खरीक थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाला है। उसके ऊपर में काफ़ी सारी जो गंभीर धाराएं हैं, जैसे आम सेक्टर हत्या के कई मामले दर्ज हैं। अभी बीते 2 माह पहले रेलवे स्टेशन, खरीक रेलवे स्टेशन पर उसके द्वारा एक महिला की हत्या की गई थी गोली मारकर। वो जमीनी विवाद में, जो एक पारिवारिक विवाद है, उसमें उसकी हत्या हुई थी। यह एक संगठित गिरोह चलाता भी है और एक बड़े गिरोह का सदस्य भी है। इसके जो बाकी सदस्य हैं, आज जब उसमें उनकी सूचना मिली इकट्ठा होने की, इन लोगों की पुलिस के द्वारा जब रेड किया गया, तो इनके द्वारा भी जो है उसमें मुठभेड़ हुआ। पुलिस बल के ऊपर इनके द्वारा फायरिंग किया गया, तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग किया अपनी प्रतिरक्षा में, और पप्पू यादव को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। किसी प्रकार का किसी को कोई चोट नहीं लगा है, कोई जख्म नहीं है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से नाथनगर के बिहारीपुर समेत आसपास के गांव में 7 दिनों से बाढ़ का पानी फैला हुआ है। मंगलवार को बिहारीपुर गांव के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण अनाज और जरूरी सामान को लेकर नाव से सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे। इसी दौरान नाव में अधिक सामान और पानी रिसाव होने के कारण नाव पलट गई। इस दौरान नाव पर सवार सभी लोग पानी में डूबने लगे। तभी पास खड़े अन्य ग्रामीणों ने नदी में छलांग लगाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं नाव पर लदा सारा सामान पानी में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही नाथनगर CEO राजेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। नाव बिहारीपुर से चंपा बाईपास में आ रही थी, जिसमें 10 आदमी सवार थे।
लेकिन रेत के कारण ब्रिज से धक्का लग गया, जिसके कारण नौका पलट गया। मरने की कोई खबर नहीं है, नौका पुनः उठा लिया गया। कहलगांव अनुमंडल के सनौखर थाना क्षेत्र में बांध पर नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब जाने से 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान बड़ी नागी पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद आशिफ अंसारी के पुत्र मोहम्मद आजाद के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने बताया कि मंगलवार की दोपहर मृतक आजाद अपने दोस्तों के साथ गरिया बांध नहाने गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को बांध से बाहर निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने मंगलवार को नगर विधायक अजित शर्मा हवाई अड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उसकी समस्या सुनी और पीड़ितों को मिल रहे भोजन की समुचित व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही विधायक ने पीड़ितों को हर संभव मदद करने की बात कही। वहीं कई पीड़ितों ने विधायक को अपनी समस्याओं से रूबरू कराया। वहीं गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। विधायक ने खगड़ा और सोहरा राहत शिविर में पीड़ितों को मिल रहे भोजन व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा विधायक ने वैसी जहांगीरपुर में तटबंधों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद थे। विश्वविद्यालय परिसर में फैले बाढ़ के पानी को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छुट्टी की घोषणा कर दी है। दरअसल विश्वविद्यालय में पिछले कई दिनों से बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसके कारण यूनिवर्सिटी आने जाने वाले छात्र छात्राओं, कर्मचारी और अधिकारी को काफी परेशानी हो रही थी। वहीं भूस्टा और चतुर्थवर्गीय कर्मचारी संघ ने कुल सचिव कर्नल अरुण कुमार सिंह से बाढ़ की भयावह स्थिति तथा यातायात में हो रही असुविधा को देखते हुए विश्वविद्यालय में छुट्टी घोषित करने की मांग की थी, जिसके बाद मंगलवार को रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि कुलपति प्रोफेसर अवध किशोर राय के निर्देश पर यूनिवर्सिटी में 9 अक्टूबर तक अवकाश घोषित किया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर PVY आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। PVY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपए में। आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524 6200122297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर TNB कॉलेज में मंगलवार को गांधी जी के जीवन और दर्शन पर आधारित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 14 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें प्रत्येक ग्रुप में 3-3 छात्र छात्राएं शामिल थी। सभी ग्रुप का नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था। गांधी ग्रुप के आसरभी पंकज, अजीत एवं साक्षी को प्रथम स्थान, नेहरू ग्रुप के अमित, आदित्य एवं प्रणब को दूसरा स्थान, जबकि तिलक ग्रुप के रवि, नंदलाल एवं विनोद ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार एवं डॉक्टर सुमन कुमार ने किया। वहीं जज की भूमिका में डॉक्टर श्वेता पाठक, गौरव कुमार, प्रवीण कुमार एवं प्रभात कुमार मौजूद थे। विजेता प्रतिभागियों को प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने पुरस्कृत किया। नव निर्मित चंपा पुल के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद पुल से वाहनों का धड़ल्ले से आवागमन जारी है। पुल के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलते ही रविवार को DM प्रणब कुमार और SSP आशीष भारती तेज बारिश के बाद भी चंपा पुल पहुंचे और निरीक्षण किया था। इस दौरान DM ने पुल के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर वाहनों के परिचालन पर रोक लगाने का निर्देश नाथनगर थाना अध्यक्ष को दिया था। DM ने पुल के दोनों ओर पुलिसकर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया था, लेकिन पुलिसकर्मियों के नहीं रहने के कारण वाहनों का आवागमन धड़ल्ले से जारी है।
दरअसल तेज बारिश और चंपा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण चंपा पुल का पहुंच पथ ध्वस्त होकर गंगा नदी में समा गया। साथ ही पुल पर बड़ी दरारें भी बन गई है। लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। किसी अपराध के पीछे का मनोविज्ञान क्या है और इस पर नियंत्रण के क्या उपाय है, इसको लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी मनोविज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। दिसंबर माह में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। सम्मेलन को लेकर साइकोलॉजी विभाग की हेड प्रोफेसर रेखा सिन्हा ने बताया कि सेमिनार में यह मंथन किया जाएगा कि अपराध के पीछे का मनोविज्ञान क्या है और इस पर अंकुश लगाने में मनोवैज्ञानिक क्या भूमिका निभा सकते हैं। वहीं आयोजन सचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने कहा कि सम्मेलन का विषय साइकोलॉजी ऑफ क्राइम रखा गया है। प्रोफेसर विवेकानंद शाह ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश के कई मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम के प्रारूप का विमोचन भी किया गया। मौके पर डॉक्टर जनक कुमारी, डॉक्टर लक्ष्मी पांडे, डॉक्टर राजेश तिवारी, डॉक्टर अवधेश रजक समेत कई शिक्षक मौजूद थे। गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। हजारों की संख्या में बाढ़ पीड़ित राहत शिविर में शरण लिए हुए। वहीं कई सामाजिक संगठन भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। मंगलवार को भागलपुर खानकाह पीरदमरिया शाह मार्केट की ओर से नाथनगर क्षेत्र में राहत सामग्री वितरित की गई। वक्फ 159 की तरफ से खानकाह पीरदमरिया के उप सजादा नशीन सैयद साहब फकरे आलम हसन ने बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर रिलीफ बांटा। वहीं राहत सामग्री मिलते ही छोटे बच्चों में काफी खुशी देखी गई। उपसजादा नसीम सैयद फकरे आलम हसन ने कहा कि आपदा के समय मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। साथ ही सजादा नसीम ने आमजनों से बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने की अपील की और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जिले भर में विभिन्न सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। अपना कहलगांव ग्रुप एवं सर्वदलीय समिति की ओर से विरवन्ना पंचायत 58 दियारा में बाढ़ पीड़ितों के बीच भोजन का वितरण किया गया। समिति की ओर से 300 पैकेट पूरी, सब्जी और बिस्कुट का वितरण किया गया। इस मौके पर नितिन कुमार, सावर्णी मधुकर, चीकू सिंह रघुवंशी, संजीव कुमार, वरुण कुमार, संजय कुमार मंडल सहित कई सदस्य मौजूद थे। दुर्गा पूजा को लेकर नाथनगर के ललमठिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष बबलू कुमार ने की। इस दौरान बैठक में मौजूद दोनों समुदाय के लोगों से शांतिपूर्ण त्यौहार संपन्न कराने का संकल्प लिया गया। थाना अध्यक्ष ने पूजा समिति और शांति समिति के सदस्यों को दुर्गा पूजा में डीजे का उपयोग नहीं करने की बात कही। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने डीएम प्रणब कुमार पहुंचे सिटीएस परिसर, सुविधा बढ़ाने का दिया निर्देश, अधिकारियों को लगाई फटकार। नौगछिया का मोस्ट वांटेड 50,000 का इनामी पप्पू यादव चला एसटीएफ के हत्थे, हत्या लूट और रंगदारी के दर्जनों मामले हैं दर्ज। नाथनगर के बिहारीपुर में बाढ़ पीड़ितों से भरी नाव पलटी, ग्रामीणों ने लगाई छलांग, सभी की बची जान। कहलगांव के सनोखर में नहाने के दौरान डूबने से युवक की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। और बाढ़ पीड़ितों से मिलने नगर विधायक पहुंचे राहत शिविर, भोजन व्यवस्था का लिया जायजा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।